हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। आप देख रहे हैं, ये अखबार है दैनिक भास्कर, जयपुर वाला संस्करण है, 3 जून 2019 यानी कि आज की तारीख। टोटल राजस्थान में अगर बात की जाए तो 1,56,000 पद खाली पड़े हुए हैं। अब ये भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी, आएंगी तो कब आएंगी और कितने कितने पदों पर भर्तियाँ आ सकती है, इन सारी चीज़ों का डिटेल हम विश्लेषण यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपके सामने कोई डाटा है ना, जैसे 1.56 लाख, तो आप कभी ये मान के मत चलिए कि 1,56,000 भर्तियाँ आएगी। ऐसा बेसिकली होता नहीं है, क्योंकि ये जो पद हैं, ये पद में वो पद भी गिने जा रहे हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, इनके साथ वो पद भी गिने जा रहे हैं जिनकी वैकेंसीज नहीं करवानी लेकिन वो खाली रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी है, पटवारी की वैकेंसी है, वहाँ पर मान लीजिए बोल 12,000 पद लगभग पटवारियों के खाली हैं, लेकिन वैकेंसी कभी 12,000 पे नहीं आएगी, वैकेंसी मात्र 4,000 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 हो जाएगा, कम में 2,000 तक भी आ सकती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास ऑप्शन होता है जो बेरोजगारी होती है उसको रिवर्ट करने का, कि बार बार हाँ हमने वैकेंसीज लाए हैं, हमने सुचारू रूप से सारी चीज़ें करवाई है, ये सारी चीज़ें करने का। दूसरी बात क्या होती, एक साथ मान लीजिए, अगर मान लीजिए 12,000 पदों को भर दिया जाए, बाद में पता चलता है कि 20 पद और खाली हो गए, क्योंकि रिटायरमेंट तो साइमेंटेनियसली होते रहते हैं, एक के बाद एक, पता चले कि उसके बाद 50 पद और खाली हो गए, कुल मिलाकर के 200 पद खाली हो गए, तो अब इन 200 पदों के लिए तो कोई वैकेंसी लाए तो फिर वो तो बहुत बड़ा खर्चा वाला काम हो जाता है। इसीलिए इतने पद पहले से ही खाली रखते हैं ताकि नई वैकेंसी में कुछ पद और ऐड करके एक नई वैकेंसी बनाई जा सके, ये बेसिकली रीजन होता है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, कांग्रेस ने सरकार में जो है 24 लाख रोजगार देने की बात कही थी अगर वो सरकार में आते तो, लेकिन आए नहीं, तो अब वो बात तो करना बेमानी है एक तरीके से। अब तो जो सरकार आई है वो कुछ करे, और उसमें उन्होंने बताया था कि 20 लाख पद तो लगभग जो है राज्य सरकारों के पास खाली थे और 4 लाख जो पद थे वो केंद्र सरकार के पास थे। अब राज्य सरकारों की बात करें तो सभी राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है नहीं, इस वजह से उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और जैसा कि उन्होंने वादा किया था, होना यही चाहिए कि इन पदों को भरा जाए। लेकिन मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ, इन पदों को भरना जो है बहुत मुश्किल है, और होगा तो ये सरकार के 5वें साल में लगभग हो सकता है, इसमें सारे पद नहीं भरे जाएंगे। अब यहाँ पर कहाँ कौन कौन सा पद खाली है, इससे आपको ये आइडिया एक लग जाएगा कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये पद खाली है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे पहले 2017 के टाइम पर, यह पता चल गया था कि 2019-2020 में पीटीआई की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आएंगी, 2018 में भी आई, 2019-20 के लमसम भी आएंगी, देख लेना 21 तक बहुत सारे पीटीआई की वैकेंसी आएंगी। तो उस प्रकार से क्या है कि आप स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पद खाली है। अगर बात करें प्रारंभिक शिक्षा विभाग की, तो यहाँ पर 28,016 पद खाली हैं। अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा विभाग की, तो यहाँ पर 37,509 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ लिपिक जो होते हैं, यूडीसी जिन्हें कहा जाता है, उनके 1,341 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में जो एलडीसी है उनके लगभग 7,000 मान सकते हैं इनको। पुलिस विभाग के अंदर 5,476 पद खाली हैं। अब ये 5,476 जो पद हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के पद हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जो है कांस्टेबल के हों या सारे आप मान लीजिए एसआई के हों या सारे जो है हेड कांस्टेबल को, ऐसा नहीं होता है, संभुई को मिलाकर सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। आगे अगर बात करें तो बिजली कंपनियाँ जो हैं उनके 5,000 पद खाली हैं, और ये बिजली कंपनियों का जो एग्ज़ाम है ये होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, बहुत जल्दी इनकी वैकेंसी आती है और बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, आपने देखा होगा पिछले एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हुए थे। चिकित्सा विभाग के अंदर भी बहुत सारे पद खाली हैं, लगभग 34,741 पद खाली है चिकित्सा विभाग के अंदर। राजस्थान विश्वविद्यालय शैक्षिक स्टाफ जो है उसके अंदर 413 पद खाली हैं। मेरे ख्याल से ये सारे पद जो हैं नेट के थ्रू भरे जाएंगे, तो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी अच्छी संकेत है, अगली जो सरकार रहेगी ये वाली, अंततः ये सारे पद भर दिए जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय गैर शिक्षक स्टाफ जो होता है उसके अंदर 796 पद खाली हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो संस्कृत विभाग के अंदर 4,991 पद खाली, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ जो होती
पहले फिल हो चुकी है। कॉलेज शिक्षा के अंदर 4655 पद खाली है। ईएसआई जो निदेशालय है उसके अंदर भी 311 पद लगभग खाली हैं। 167 पद राजस्थान नगर नियोजन विभाग में हैं और भाषा पुस्तकालय विभाग में 67 पद खाली हैं, जो कि काफ़ी कम है। आईटी विभाग जो है उसमें अगर बात की जाए तो आईटी विभाग में मुख्यतः 2 या 3 वैकेंसी निकलती है, एक तो आईए की, एक प्रोग्रामर की और एक एसीबी की। एसीपी की जो वैकेंसी होती है वो प्रमोट भी हो जाते हैं, एसीपी प्रोग्रामर भी प्रमोट हो जाते हैं तो उससे भी इनको भर दिया जाता है, लेकिन आईए के पद की वैकेंसी जो है डायरेक्ट निकाली जाती है। तो लगभग 3000 पद अभी भी खाली हैं। कारखाना बायलर्स विभाग जो है उसके 88 पद खाली हैं। कृषि विभाग के अंदर अपने 2982 पद खाली, लगभग 3000 ये हैं। वाणिज्य कर विभाग जो है उसके अंदर 1504 पद अभी भी खाली हैं। टोटल अगर यहाँ पे बात की जाए तो 156,466 का आंकड़ा आता है। इसमें से तकनीकी निदेशालय की बात की जाए तो 604 पद, अल्पसंख्यक मामला विभाग होता है इसमें सीनियरिटी के पद होते हैं तो इसमें ज़्यादा वैकेंसी निकलती नहीं, फिर भी 110 पद खाली यहाँ पर। पंजीय एवं मुद्रक विभाग जो होता है उसके भी 1000 से 1100 तक के पद खाली यहाँ पर हैं। मत्स्य विभाग के अंदर 269 पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर फिर से अगर बात की जाए तो 442 पद हैं। पशुपालन की अगर बात की जाए तो पशुपालन के अंदर भी लगभग 9,500 पद खाली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो पशुपालन के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, अगर आप तैयारी करना चाहें स्टार्ट कर सकते हैं। आगे अगर बात की जाए तो नागरिक सुरक्षा निदेशालय जो होते हैं उसके अंदर भी सिक्योरिटी के पद होते हैं, 193 पद इनके खाली हैं। राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय के वैसे बहुत सारी वैकेंसी निकल चुकी है और एक एक दो ब्रांच की वैकेंसी जाती है, तो इसमें कोई ज़्यादा पद खाली होते भी नहीं है और फिर भी 238 पद खाली हैं। तो आगे साइंस की फील्ड वाली वैकेंसी आ सकती है, साइंटिस्ट के लिए बेसिकली ये आएगी और ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। जो पर इसमें क्या है कि बीटेक वाले को नहीं लिया जा रहा है, इसमें ओनली बीएससी वालों को लिया जाता है, तो ये थोड़ा बहुत एक कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है। बाकी इसमें वैकेंसी आने की संभावना रहती है, बहुत बढ़िया ये पद होता है, इंटरव्यू के थ्रू भी भर दिया जाता है ये। श्रम विभाग की बात करें तो श्रम विभाग के अंदर 349 पद खाली हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर भी इनकी एलडीसी की इनकी वैकेंसी निकलती रहती है जेडीए के अंदर, तो इसके भी 1073 पद खाली हैं। देवस्थान विभाग के अंदर 203 पद खाली, ये भी अच्छा एक डिपार्टमेंट होता है, वैकेंसीज कम होती है लेकिन एक बार जॉब लग जाए तो फिर अच्छी जॉब होती है। अभियोजन निदेशालय जो होता है इसके लगभग 11000 पद खाली हैं। स्थानीय निधि अंकेषण विभाग के 468 पद खाली हैं। राजस्थान पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की ये भर्ती है तो इसके अंदर 673 पद खाली है। निदेशालय निरीक्षण विभाग के 179 हैं। स्टेज मोटर गैरेज विभाग के भी 540 आईटीआई की भर्ती होती है और गृह रक्षा विभाग के अंदर 427 पद खाली, इसमें पुलिस वगैरह भी आ जाती है। विद्युत निरीक्षणालय जो होता है विद्युत के लिए उसके जो हैं 82 पद खाली हैं। और पदों की जो स्थिति है वार्षिक प्रतिवेदनों के आधार पर है, इसमें कुछ विभागों में भर्तियाँ प्रक्रियाधीन है। अब यहाँ पर 2 मुख्य बयान छपे हैं जिनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। 2 बयान ये हैं, एक है बीएल जाटावत साहब का जो कि आपके आरएसएनएसएसबी के बोर्ड अध्यक्ष हैं। ये चयन बोर्ड स्तर पर किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव लंबित नहीं है जी, पूर्व में जो भर्तियाँ शुरू की गई थी वो प्रक्रियाधीन हैं, अगर प्रस्ताव प्राप्त होता है तो बोर्ड प्रक्रिया शुरू कर देगा। अब ये एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ से क्या बात निकल कर सामने आती है कि जो लोग बोल रहे हैं ना, दिन रात लोग बोलते हैं पटवारी भर्ती आने वाली है, पटवारी भर्ती आ गई, पटवारी भर्ती ये हो गया, पटवारी का वो हो गया। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो डाला तो उसमें बताया था, मैंने कहा अभी देर है, करीबन 4-5 महीने तो रुक के जाओ। और ये देख लीजिए, जब इनके पास कोई सूचना ही नहीं आई है, ये खुद बीएल जाटावत का बयान है, तो कोई व्यक्ति कैसे बता सकता है कि पटवारी भर्ती आने वाली, अभी तो टाइम लगेगा। देख लीजिए, विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव भी अभी जो है इनके पास पूरे जो भर्तियां वही प्रक्रियाधीन है, अगर प्रस्ताव प्राप्त होता है तो ये करेंगे, अभी तो प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुआ, कहाँ से ये भर्तियां करवाएंगे। तो वही आपको पता है कितना धीरे धीरे काम होता है, वैसे होता रहेगा राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान विश्वविद्यालय खाली जिला में जो खाली पदे पड़े हैं उसकी भर्ती राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती आ सकती है, वैसे स्वीकृति मिलते ही रोस्टर प्रणाली के तहत गाइडलाइन जारी होने के बाद वो सारी चीज़ें हो जाएगी आरयू के अंदर। ये तो सारी अलग प्रकार की भर्तियां होती है जिसमें हायर एजुकेशन वाले लोग आते हैं।
उपेन यादव जो हैं प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के, ये अक्सर बातें करते रहते हैं भर्तियों की। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो भर्तियां लंबित है उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाए, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी उनका परिणाम जारी किया जाए। अब एक बार बताओ, जिनका परिणाम 5 बार जारी कर दिया LDC का, फिर भी पक्का नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उसका क्या किया जाए। इसके बाद सरकार को जल्दी से जल्दी नई भर्तियां शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारों को सही मायने में राहत तब मिल सकेगी। कुल मिलाकर सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, बेरोजगारों को राहत के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। वैसे आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पर्टिकुलरली बहुत सारी वैकेंसीज है जो ख़त्म होने वाली है, ये शायद आपको कोई बताएगा नहीं। और इन ख़त्म होने वाली वैकेंसीज में RPSC की वैकेंसीज भी है बहुत सारी, जो अब कभी नहीं आएगी। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि डिपेंडेंट ना रहे ओनली राजस्थान वैकेंसी पे। ये बहुत हार्ड बात है सुनने में, बहुत अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि बेसिकली है क्या कि रोज़गार का अगर आप देखें ना, तो 1,56,000 खाली पद पड़े हैं। अंत आते आते ये पद अगर मान लो 2 लाख के पास भी पहुँच जाए ना, तो भी पूरी भर्तियाँ गवर्नमेंट निकाल नहीं पाएगी। और जिस हिसाब से भर्तियां पूरी होने का लचर रवैया है, उससे तो बेहतर है कि आप एक स्टेबल जॉब की तैयारी करें, लेकिन तैयारी नहीं छोड़ें, ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहे DS गुरुजी के साथ। इसमें से कोई सा भी पद अगर आपको लग रहा हो जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन सेम है, तो आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। इन जो पद खाली हैं, हालांकि इतनी भर्तियां तो नहीं आएंगी, लेकिन भर्तियां ज़रूर आएंगी और थोड़ी लेट आएंगी। अभी करीबन मेरे मान के चलिए कि 1 साल के अंदर अंदर बहुत कम भर्तियां आएंगी, उसके बाद आना एक बड़ी भर्ती बीच में आ सकती है। क्योंकि अभी रिसेंटली 2 महीने बाद 1,000 संहिता और लग जाएगी जो पंचायत राज विभाग की होगी, उसके 2-3 महीने बाद फिर वोट से नगर निकाय के चुनाव आ जाएंगी, उसके बाद एक बहुत बड़ा लंबा फेज चलेगा जिसमें अक्सर भर्तियां आती है, इसमें भी आएगी। तो वो समय जो होगा 2020 का मार्च या अप्रैल के टाइम का समय होगा, तब से भर्तियां आना लगातार की मैं बात कर रहा हूँ। 1-2 भर्तियां बीच में आ सकती है, वो बात अलग है, लेकिन लगातार तब से स्टार्ट होगा। तो बहुत सारा टाइम है, आप कवर कर सकते हैं, डीप में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी जानकारियां बिल्कुल फैक्ट पे बेस है। और अक्सर मैंने जितनी भी जानकारियां आपको दी है, उसमें से आप क्रॉस चेक करके पुराने वीडियो को देख के देख लीजिए, जितना मैंने बताया उतना ही लगभग हुआ है, 90% तक मेरी जानकारियां सही रहती है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें रनिंग में चलती रहती है, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है ग्राम सेवक की वैकेंसी आएगी, मतलब हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे आएगी जब बात ही नहीं हो रही है, उसकी चर्चा ही नहीं है, तो कैसे आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भर्ती नहीं आएगी तो उसकी तैयारी ना करें। तैयारी आप उसकी कर सकते हैं, तैयारी आप पटवारी की कर सकते हैं, तैयारी आप RPSC रीट की, बहुत सारी चर्चाएं चल रही है रीट की। अभी अब एक बात बताओ, रीट की 10,000 की भर्ती मान लो अभी करा देंगे सरकार वाले, तो फिर जब चुनावों में ये जाएंगे तब क्या बताएंगे ये, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाओ। भर्तियां ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, भर्तियां आएंगी, लेकिन भर्तियां टाइम लेकर के आएंगी। इसलिए आप अभी भर्ती के हिसाब से ना सोचकर रैंडमली पढ़ाई करें, बेहतर यही होगा आपके लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी बातें आपको समझ में आती हो तो एक अच्छा सा कमेंट लिख के मेरा मोटिवेशन बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू।